नमस्कार, रेखा पवार्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थानी कोरमे की पूड़ी बनाने वाले हैं। अगर आप चटपटा खाने के शौकीन हैं तो आपको ये पूड़ी ज़रूर पसंद आने वाली है। इसे हम पराठे व पूड़ी दोनों ही तरह से बनाते हैं क्योंकि ये हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हमारे राजस्थान की कोरमे की पूड़ी। इसके लिए हमने यहाँ पर आधी कटोरी के लगभग मूंग की दाल का कोरमा लिया है, यानी कि दाल की चूरी ली है। जब हम मूंग से दाल बनाते हैं उस समय यहाँ पर पीसते समय इस तरीके से चूरा निकलता है, तो उस चूरे से हम पूड़ी या पराठे बनाते हैं। यदि आपके पास इस तरह से कोरमा नहीं है तो आप मूंग की दाल को मिक्सी जार में थोड़ा सा दरदरा सा कर लीजिए, यानी कि पीस लीजिए इस तरीके से। आज हम इस चूरी से पूड़ी बनाने वाले हैं। तो इस कोरमे को मैंने लगभग एक घंटे पहले पानी में भिगोकर रख दिया था। इसे पानी में भिगोकर रखना ज़रूरी है ताकि जब हम इसकी पूड़ी बनाएंगे तो ये दाल का चूरा थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो एक घंटे पहले कोरमे को हमने पानी में भिगोकर रख दिया था और ये सॉफ्ट हो गया है। इसे पहले मैंने एक बार पानी से अच्छी तरह से धो लिया था और आप देख सकते हैं कि एक घंटे में कितने अच्छे से फूल गया है ये। पूड़ी बनाने के लिए हम यहाँ पर एक बर्तन में करीब 1.5 कप गेहूं का आटा ले लेंगे। आधा कप हम इसमें डाल देंगे बेसन। अब हम इसमें मसाले मिला लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटी चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर ली है, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 छोटी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, 1 चुटकी हींग, आधी छोटी चम्मच के करीब सौंफ पाउडर यानी कि कुटी हुई सौंफ, थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची जिसको कि मैंने चॉप कर रखी है डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्ची ली है, अदरक जिसको मैंने इस तरह से कूट लिया है, 3 लौंग जिसको कि बारीक कूट लिया है हमने, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, और अब हम इसमें ये कोरमा जो हमने भिगो कर रखा था, पहले हम इस कोरमे को जाली में छान लेंगे जिससे कि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने छन्नी से इसको अच्छे से छान लिया है और अब हम इसमें ये कोरमा भी डाल देंगे। इसे एक बार पहले अच्छे से मिला लेंगे। मैं यहाँ पर पूड़ी बना रही हूँ, लेकिन यदि आप पराठे बनाएं तो आप इसमें बारीक कटे हुए प्याज भी डाल सकते हैं। इस तरह की पूड़ी बना करके आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं। तो अब हम इसे हाथ से अच्छे से मिला लेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। हमने कोरमे को आटे में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इसका सख्ता आटा लगा लेंगे। इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहती है। मैंने 1 गिलास पानी लिया था और आप देख सकते हैं लगभग 2 बड़ी चम्मच हमने इसमें पानी डाला है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे, लगभग 1 चम्मच, और इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर इसका आटा लगा लिया है। इसके लिए हमें सख्त आटा ही रखना है क्योंकि ये आटा थोड़ी देर में दाल की वजह से गीला होने लगता है। तो अब हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे। तो अब हम एक छोटा सा लोहा लेंगे, तेल लगा करके इसे पूड़ी की तरह बेल लेंगे। जितना पतला हम इसे बेल सकते हैं बेलेंगे। आप अगर इसे एक जैसा शेप देना चाहें तो आप इसे इस तरह से कटोरी से भी काट सकते हैं, और कांटे से इस तरह से इसमें छेद कर देंगे जिससे कि हमारी ये पूड़ी फूलेगी नहीं। ये पूड़ी फूली हुई अच्छी नहीं लगती है। तो कुछ पूड़ियों को हमने यहाँ पर बेल लिया है, तो अब हम इन्हें पहले तल लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई में हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है और तेल अच्छे से गर्म हो गया है। एक टुकड़ा डालकर देखते हैं। देखिए तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम एक एक करके और पूड़ी इसमें डालते जाएंगे और तलते जाएंगे। गैस की आंच अब हम बिल्कुल धीमी कर देंगे वरना पूड़ी ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी।
कट करते हुए हम इन्हें तलेंगे। तो आप देखिए दोनों तरफ से अच्छे से सीख चुकी है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम सारी पूड़ी को तल लेंगे। तो देखिए हमारी राजस्थानी कोरमे की पूड़ियाँ बनकर के तैयार हैं और आप देखिए ये कितनी क्रिस्पी बनी है, इनका कलर भी कितना शानदार आया है। मैं आपको एक तोड़कर दिखाती हूँ, इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं क्योंकि हम इसे 3 से 4 दिन के लिए स्टोर करने वाले हैं, इसलिए हमने इसे क्रिस्पी बनाया है। लेकिन यदि आप चाहें तो इन पूड़ियों को सॉफ्ट भी बना सकते हैं। इसे आप हरे धने की चटनी या दही के साथ खाइए, ये और भी टेस्टी लगेगी। बच्चों के टिफिन में रखिए या सफ़र में ले जा सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।